वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सरहद पर चीन को सबक सिखाया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की सेना का गुरूर तोड़ा। अब बारी उसको कूटनीति मोर्चे पर भी पटखनी देने की है। भारत के इस प्लान से दुश्मन हैरान भी होगा और परेशान भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को अलग थलग करने का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, उससे फड़फड़ा जाएगा ड्रैगन। शी जिनपिंग की रातों की नींद हराम हो जाएगी। मौजूदा हालात में कूटनीतिक स्तर पर पहला तमाचा उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मास्को दौरे पर लगेगा। रूस से न्योता मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां दूसरे देशों के नेताओं से तो मिलेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। ये संदेश चीन को तिलमिला देगा। लद्दाख में चीन ने जो किया है, उसका खामियाजा उसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी देखने को मिलेगा। मॉस्को में चीन की ऐसी बेइज्जती होगी कि वो पानी पानी हो जाएगा। सबके सामने चीन जलील हो जाएगा। भारत में जिस तरह का रोष है, जिस तरह की प्रतिक्रिया है, उसको देखते हुए भारत सरकार एक क्लियर मैसेज चीन को देना चाह रही है कि जिस जब भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर भारत और चीन एक साथ आएंगे, तो भारत अपनी बात सिर्फ चीन को ये कहने के लिए रखेगा कि चीन को अपनी अपना जो बिहेवियर है उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो द्विपक्षीय संबंधों में दरार पड़ी रहेगी। और जो ये इस मॉस्को में जो राजनाथ सिंह की विजिट है, वहाँ पर वो एक मैसेज चीन को देना चाह रहे हैं। नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने राजनाथ सिंह मॉस्को जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार और हर सशस्त्र बल के एक शीर्ष अधिकारी होंगे। 24 जून को पहली बार मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भारतीय सैन्य टुकड़ी भी विक्ट्री डे समारोह का हिस्सा बनेगी। चीन के साथ खराब रिश्ते के बीच राजनाथ सिंह का मॉस्को का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे के लिए मॉस्को जा रहे हैं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने, लेकिन चीन के लिए पहला झटका और भारी झटका, नहीं मिलेंगे चीन के डेलीगेशन के साथ। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को एक और झटका 23 जून को ही लग जाएगा। रशिया इंडिया चाइना यानी RIC ग्रुपिंग की विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चीन बेनकाब हो जाएगा। रूस भारत और चीन के बीच ये डिजिटल बातचीत तो होगी, लेकिन चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। तीनों मुल्कों के बीच कोरोना वायरस और आर्थिक मुद्दे पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में भी चीन की अकड़ ढीली की जाएगी। चीन को नजरअंदाज करके भारत संदेश देगा कि वो घमंड में ना रहे। हालांकि घर में ही इस त्रिपक्षीय बातचीत को लेकर बीजेपी सांसद ने ही सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब माहौल ठीक नहीं तो इस बैठक में एस जयशंकर की जगह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों नहीं शामिल होते। हालांकि चीन को घेरने का यह सिलसिला लगातार जारी है। इसको असली झटका सितंबर में लगेगा, जब G7 का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने खुद जाएंगे। इसी बैठक में G7 बन जाएगा G10 यानी दुनिया के ताकतवर लीग में भारत की हो जाएगी एंट्री। इस लीग में शामिल होने का न्योता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ बड़ी घेराबंदी। जब सितंबर में G7 G10 बन जाएगा और भारत उसमें शामिल होगा, तब चीन अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका में सितंबर में होने वाली इस बैठक में भारत के साथ दूसरे देशों को भी G10 का हिस्सा बनाया जाएगा। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल हो जाएगा। पहले से ही इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। हालांकि पहले G7 के G11 बनाने की तैयारी थी, लेकिन रूस के इनकार के बाद G10 बनाने पर मुहर लगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद जितना बड़ा होगा, चीन उतना ही बिलबिलाएगा। इसी खिसियाहट में शी जिनपिंग भारत से पंगा ले रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जो दांव चला है, उसमें चीन की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। भारत की आक्रामक कूटनीति के सामने चीन पूरी दुनिया में
अलग थलग पड़ जाएगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।